तो छुटकन्नी जी जी जोर शोर लगा के एकदम रस्सी से बांध बांध के अंकुश को अपने जाल में फंसाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। कह रही थी हमारी जो छोटी जीजी है कि मुझे पता है कि कहाँ आप लोग जा रहे हो, आप लोग किस लड़की के चक्कर में पड़े हुए हो, उसको घर लाने का सोच रहे हो, तो आपका वो भी कुछ नहीं करने वाली है। मुझे जलन नहीं है, मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं है, लेकिन मैं उससे मिली हूं, मैं जानती हूँ। अगर जिज्जी को जलन नहीं होती तो जिज्जी इतना ज्यादा उससे मिली क्यों होती। दीदी अपने आप को बहुत ज्यादा शातिर समझती हैं, उनको लग रहा है कि सोशल मीडिया पे आके वो अच्छी अच्छी बातें कर लेंगी, अच्छा अच्छा बोल देंगी अंकुश के बारे में कि ऐसा वैसा। बातों ही बातों में ये भी कह जा रही हैं कि मुंह काला करवा के आया है। अब तो इस बार टाइटल में ना लिखा दीदी ने, लेकिन बातों बातों में तो बोल ही दिया ना। एक तरह उनको घर भी जाना है और यूट्यूब पे आके उनको अपने घर का मसला भी नहीं बताना है, और आगे बताती हुई भी जा रही है दीदी कि मैं उस लड़की से मिली हूँ, मैंने उस लड़की को देखा है। जो सोच रहे हैं ना लोग कि भला हो जाएगा उसके आने से, तो उसके आने से भी भला नहीं होगा, मैंने देखा है उसको। भाई जीजी ने सब कुछ देख परखा है, तभी तो उस चैनल को खुलवा के बुलवाती है सारी चीजें। आखिर में जीजी के जुबान से सारी चीजें आ ही गई कि जीजी ने सब कुछ देखा है, वो उससे मिली है, सारी बातें जानती हैं, तभी उन सारी बातों को बना बना के उस पे लीपा पोती करके थोड़ा सा पेंट पॉलिश करके उस जाहिला से उस चैनल पे बुलवाती हैं। अब आई ना जीजी की असली बात जुबान पर, तो भैया जो अपने इशारों इशारों में अंकुश को बदनाम कर दिया कि मुझे डिवोर्स दे के वो उस लड़की को घर लाने के फिराक में है, तो तुम्हारा भी जवाब उसने दे ही दिया आज कि मुझे माफ करो, उसको तुम्हारे चक्कर में नहीं फंसना है, तुम्हारे चंगुल में नहीं फंसना। सच तो ये है कि जो छोटी जीजी हैं उनका इस दुनिया में किसी के साथ बनेगा ही नहीं, वो अकेले रहना चाहती हैं, ना उनकी अपनी बहन से बनती है, ना उनके माँ से बन रही है। अगर माँ से इतना ही बनता तो ऊपर वो 15 लाख खर्चा करके घर क्यों बनवाती अपने रहने के लिए। आज उनको जाना है घर पे, आज जाना है अंकुश के घर पे जाना है। आज ससुराल याद आ रहा है, मेकअप करने का याद आ रहा है, पहले के दिन याद आ रहे हैं, सासू माँ की इज्जत याद आ रही है, क्योंकि अब उनको जाना है। लेकिन अगर उनको जाने का इरादा था तो ऊपर घर किस बात के लिए बनवाया कि मैं यहाँ पे आराम से रहूंगी, यहाँ पे अच्छे से रहूंगी। सच बात तो ये है कि जीजी वीडियो के थ्रू प्रोवोक कर करके सोच रही हैं कि जल्दी से जल्दी सेक्शन 9 हटे और मुझे प्रॉपर्टी फटाक से मिल जाए। कुछ औरतें होती हैं जो ना खुद जीना जानती हैं ना दूसरों को जीना देना चाहती हैं। बात यही है हमारी दीदी के साथ कि हमारी दीदी ने पहले तो खूब रगड़ा अंकुश को, बेटे से नहीं मिलने दिया, माँ की इज्जत उतारी, उस बुढ़िया माँ के बारे में क्या क्या नहीं बोला। घर खानदान में बुढ़िया बुढ़िया से बात करती है, उसकी इज्जत, कैरेक्टर असैसिनेशन, मतलब हर एक परिवार का कैरेक्टर तो छोड़ा ही नहीं। और तो और जो हमारे जीजा हैं, बड़े वाले जीजा भी जा जाके क्या कुछ बोल करके आए हैं। मटर पनीर खाने का ताना दिया गया था अंकुश अग्निहोत्री को, मतलब हर एक छोटी छोटी चीजों का ताना। और उतने से भी बात नहीं बना तो जाहिला का चैनल खुलवा के फोन रख लिया है, मेरा फोन रखा है, फोन का ताना, मतलब भाई हद होती है। अब उससे भी बात नहीं बनी तो HIV है भाई, अंकुश को HIV है, मतलब जो जो कर सकते हैं हम उस इंसान को बर्बाद करने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए, हम वो सारे हथकंडे अपनाएंगे और अपने चैनल पे आके हम बहुत अच्छे बन जाएंगे। लेकिन अच्छे बनने का क्या फायदा, मैडम तो सारे बातें अपनी बातों बातों में बोल गई, आखिर में बोल ही गई ना सारी चीजें कि मैं उससे मिली हूं। और जो हमारी जाहिला है वो एक एक चीज जानती है, पता नहीं CCTV लगी होगी, क्योंकि मिली है हमारी छोटी जीजी और पता सब कुछ जाहिला को है, तो इससे तो साफ ही पता चल रहा है कि वो चैनल हमारी छोटी जीजी चलवाती है जाहिला का। मैडम आके लाइव करती थी, लाइव तो देखा ही होगा, जो हमारे ऑडियंस है उनको बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, बहुत पहले से देख रहे हैं, उनको पता ही होगा मैम ने कितने सारे लाइव किए थे। और अब वो लाइव कहाँ गई, वो सारी लाइव्स डिलीट हो चुकी है, लेकिन हम लोगों ने उस लाइव को सेव करके रखी। एक लाइव में कहा था इन्होंने कि हमको बच्चा जमा के छोड़ गया, बस इसका काम बच्चा जमाने का था, और उसी बच्चे से उसके बाप को मिलने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उसका बाप, उसके घर वाले खतरनाक थे उस बच्चे के लिए, है ना, और वो बच्चा जमा के भी छोड़ गया। भाई कितनी, मतलब औरत, ये औरत इतनी गिरी हुई है, बहुत गिरी हुई इंसान है, इसको और किसी चीज से मतलब नहीं है। इसको मतलब क्या है, इसको बस चाहिए डॉलर्स।
पीठ पीछे कुछ और करती है और YouTube पे आके कुछ और बोल रही है कि जितने डॉलर्स कमा सको कमा लो। और अब सोच रही है कि इतनी कंट्रोवर्सी बढ़ी हुई है तो क्यों ना आप ससुराल जाके थोड़ा सा और कंट्रोवर्सी बढ़ाया जाए, थोड़े से और व्यूज मिलेंगे, ऑडियंस तो आएगी ना भाई, प्रीत तो अपने ससुराल चली गई, थोड़े और व्यूज आ जाएंगे, थोड़े और पैसे मिल जाएंगे। उन लोगों के नाक में दम करके रखना है कि ये कैसे किसी और लड़की के साथ जा सकता है, मैं भी इसके साथ नहीं रहूंगी, किसी और लड़की को भी इसकी लाइफ में नहीं आने दूंगी, मैं इसके जीवन को पूरी तरह से नरक करके रहूंगी, ना इसको मैं आगे चलने दूंगी ना मैं इसको पीछे चलने दूंगी। तो भैया ऐसी लड़कियों का इलाज कैसे किया जाता है आप सब मुझे जरूर कमेंट में बताना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना।